डेविड विली को फन कर दिया आज बिल्कुल, और जिस तरह उसने लेंथ क्रिएट कर रहा था शुरू में, ठीक है, तो जब लिविंगस्टोन बॉलिंग कर रहा था अंदर ला रहा था और ठीक ठाक स्विंग हो रहा था उसका, बहुत अच्छा, बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, बाउंड्रीज भी छोटी थी, तो जब बाउंड्री छोटी होती है यहाँ से दो चौके मिले उसको, तो उसका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा बड़ा हो, बढ़ा, ठीक है, तो वहां से पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले, ठीक है, एक लग रहा था कि यार एक मकसद लग रहा था कि हमने जीतना है, ठीक है, जब हम भी खेले पाकिस्तान के लिए, जिस दिन जीतना होता हमने तो फिर चाहे जो मर्जी हो जाए, वो तीन वनडे में क्यों नहीं जीतना था, नहीं जीतना था उसमें बाबर आजम दिखा दें जी इसी पे, फ्लुएंट इनिंग्स ऑफ 83 इन 49 बॉल जी, 8 चौके 3 छक्के, और यासिर आप एक्सप्लेन कर दें क्योंकि मैं शुएब से तो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखे ये शॉट में जो ये शॉट जो खेले ना, क्योंकि इट वॉज नॉट इजी शॉट टू प्ले, फिर उसके बाद इनको बैट बॉल्स मिले, देखे फिर वो आगे आया, आगे किया बॉल उसने, फिर ये चले लकी रहा थोड़ा, हो जाता है क्रिकेट में ये चीजें लग साथ रहती हैं, और ये शॉट देखें आप, बैट बॉल था, फिर अगेन बॉल उठाया इसने पाकिस्तान को, अब ये बीमारी ना हो जाए पाकिस्तान को, हमने वो आदिल रशीद में खेलना है वो, ये तो और बाउंड्रीज भी छोटी थी, साथ में रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी इन दोनों की, रिजवान की और बाबर की, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत जबरदस्त, तो मेरे ख्याल दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन, यहाँ बॉल उठा इसने रिजवान ने, नहीं नहीं बाबर ने, बाबर ने भी उठा, रिजवान ने भी, देखे रिजवान ने तो रखा ही स्वीपों पे है ना, ये देखे बाबर फिर निकला सदमों का इस्तेमाल करके, और बड़ा जबरदस्त शॉट थे, ये एक शॉट बहुत अच्छा था, एक्स्ट्रा कवर फैंटास्टिक। अच्छा अपना यासर बिफोर आई गेट टू शुए, मुझे एक चीज और बताएं कि पाकिस्तान की ये जनरली जो टीम्स हैं जब टी ट्वेंटी खेलती हैं तो ये मिड विकेट और ये जो लॉन्ग गॉन और काउ कॉर्नर ये ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है, बट हैव यू सीन के चाहे लिविंगस्टन की इनिंग्स हो या वो भी प्री डोमिनेंटली तो इसी तरह खेला, लेकिन इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, वो तो दोनों तरफ अब पावर हिटिंग करते हैं, इवन वेस्ट इंडीज के आंद्रे रसल केरन पोलार्ड, यू थिंक कि दिस इज अगेन एक स्टेप हमें फर्दर अप करना पड़ेगा टू बिकम लाइक कि हम बिल्कुल ही चैंपियन टीम बन जाएं दोबारा? एग्जैक्टली बिल्कुल, देखें अगर आप हफीज को देखें जब वो खेलता है ही प्लेज ऑल अराउंड, ठीक है, बाबर खेलता है वो चारों तरफ खेलता है, अब रिजवान भी कोशिश कर रहा है, रिजवान भी एक्स्ट्रा कवर जो खेलता है, ठीक है, वो अच्छी शॉट खेलता है, स्वीप अच्छी शॉट है, ये वाली शॉट अच्छी मारता है, उसके बाद पुल शॉट अच्छी खेलता है, ठीक है, शॉट जैब, तो मेरे ख्याल से अच्छा है, इम्प्रूव कर रहे हैं लड़के, बाकी ये जो नए लड़के आ रहे हैं ना जो, अच्छा मुझे बताओ कि लास्ट 7 ईयर्स में मिड विकेट पे तकरीबन कोई 3 से 4 हजार रन हुए, डेफिनेटली बिल्कुल, क्यों वनडे में इसमें टी ट्वेंटी में हम लोगों को पाकिस्तान को नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो शुएब का ये क्वेश्चन है कि टी ट्वेंटीज में इस एरिया में क्यों रन होते हैं, व्हाई कि लात क्लियर करके इजी होता है, क्या वजह क्या है, लात क्लियर करके bottom hand use so it's easier to hit okay. like this so agar russell maar raha hai ya leg spinner maar raha hai ya left arm ko maar raha hai sajja zyada runs kar raha hai t20 business mein kab hai ke exactly agreed bilkul theek hai mid wicket zyada lagti hai yeah bottom hand zyada use hota hai leg clear karte hain to kya hota hai log pehle seedha maar dete hain ab maarte hain idhar exactly acha log kya karte hain ji ki boundary jitni marzi ho मारना हमने दूर है ठीक हो ये हो ना इस बात तो ब्रेक ले लें अब भाई बैटिंग के बारे में स्पिन करेगा तो क्या रह गया नहीं तो भाई जो भाई को हम कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर बस सकते। फिर आ जाए ब्रेक गेम ऑन है जी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं वेलकम बैक जी देख रहे हैं आप गेम ऑन है जी शुएब अख्तर साहब जी सर आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद रिजवान जी के बारे में ये कहा जाता था कि एन एक्सेलेंट 4-day 5-day क्रिकेटर वनडे में उन्होंने अच्छा रखा हुआ था अपने आप को लोग डोमेस्टिक वनडे में लिस्ट ए में बट टी ट्वेंटी में ही वॉज नेवर कंसिडर्ड अ फोर्स लेकिन न्यूजीलैंड में ओपन करने के बाद ही टर्न इट अराउंड व्हेन ही वॉज कंसिडर्ड एज अ फोर्स किसमें डोमेस्टिक में तो बहुत रन करता था कोई फोर्स नहीं होता भाई कौन ताकत नहीं होती कोई ताकत नहीं होता ओके दो ना किसी को भी 120 बॉल है नए बॉल के साथ नहीं लेकिन यार वो T20 बॉल देखो अल्टीमेटली उसने परफॉर्म किया तो नाम बना ना ऐसे थोड़ी होता है कि लूडो हो रही है कि आके जाके स्टार बन गया लेकिन किसी को भी इस स्टेज में दिन के टाइम कराची में दो बारियां दे दोगे क्या होगा ठीक हो गया राइट फिर शाम को दे दो कराची में दो बारियां
फिर क्या होगा? सो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी वॉज ग्रैब्ड और वो इवॉल्व विद द टू हैंड्स. और जब उसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, उसे मैसेज भेज दिया यार मुझे नीचे यूटिलाइज करने के बेहतर है ऊपर यूटिलाइज कर लो. पाकिस्तान टीम में वही किया जो पीएसएल में मुल्तान सुल्तान ने किया. ठीक हो गया. अब उसने ये दिखा दिया भाईजान, लिसन ऑल ऑफ यू साइड पीछे रह जाओ, अब मैंने ही ओपन करनी टिल द वर्ल्ड कप. ठीक, ये फैसला हो गया. ठीक, आज फैसला हो गया कि नहीं? ठीक हो गया. वैसे ही मुझे बताया कि शर्जील खान को हम किधर फिट करेंगे पर? ड्रेसिंग रूम में मतलब आपको नजर नहीं आ रहा ऑन द फील्ड? अगर वो फिटनेस फिट कर ले तो फिट हो गया. नहीं वो फिर ऐसे बोल नहीं सकते. फिटनेस तुम्हारा इशू है, फिटनेस तुम्हारा काफी इशू है. नहीं तो किधर गया योयो टेस्ट आपका? वो तो आप हम लोग जिसका फिटनेस कराने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रोबेबली हर एक को एक चीज से तो नहीं हांग सकते ना. वो आपकी मेरी फिटनेस बराबर हो जाएगी? नहीं. तो फिर आई टोटली अग्री. मैं यही तो मैं बात कर रहा हूँ. आप मेरी वाली बात कर रहे हो ना कि हर इंडिविजुअल का अपना है कि उसने कैसे फिट होना. आप जैसे शदाब खान प्रोबेबली अगर आप उसकी वो ठीक है. देखें अब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज 3 to 4 months और 6 months अप टू 6 months रिजवान इज गोइंग टू ओपन नाउ. वेरी सिंपल एज दैट. अब ये बात डिटरमिनेट हो गई है कि जोर से हिट मारने वाला रिजवान नहीं है. छह पे वो है या फखर या चौथे पे फखर जब भी सिचुएशन पैन आउट करती. फखर नहीं करके दिखाया आपको. और हफीज अगेन मैंने आपसे कहा था मिडल ऑर्डर बड़ा बहुत डाटा है. ये इंग्लैंड वालों को शायद समझ नहीं आ रही हफीज डाटा है. ठीक है ना? यहाँ पे सोचें अगेन देखो जस्ट थॉट शुएब मलिक होता फिर अगेन वो तो अगेन वो भी अच्छा शुएब मलिक का भी अच्छा. फिर कहते जी बाबे खिला रहे हैं आप, बाबे खिला रहे हैं. वेस्ट इंडीज कितने बाबे खिलाए? सारे बाबे लेके आए हैं और हम भी यही करेंगे. आप फिक्र ना करें, दो तो आएंगे. वहाब भी कहीं मुझे नजर आ रहा है कि वापस आएगा. और शुएब मलिक का भी बहुत चांस है कि वर्ल्ड कप में बनता है. बनता है, आपने जीतना है वर्ल्ड कप. यूएई में बॉलिंग भी करानी है, बैटिंग भी करानी है. व्हाट एवर यू नीड टू डू यू हैव टू डू. यस again there is option for you. Janab, how do you see Rizwan ka jis tarah 104 aur 105 strike rate se he is the one. ab usko acceleration bhi aa gayi and he is there. aise lagta hai he belongs there. 160 pe bhi strike rate pe 170 ke strike rate pe bhi khel leta hai. so jo evolve hua jaisa shweb ne kaha opportunity. so you think ke Sharjeel Khan has missed out, missed the bus now? i think so. you think so? yeah. क्योंकि मैं तो रिजवान के तो मैं फेवर में जब टीम हम बात कर रहे थे उस वक्त शर्जील का तो हमने नाम लिया था. बट रिजवान का मैंने कहा था कि ही शुड ओपन. और शुएब भाई ने यही कहा था कि बाबर को नंबर 3 या 4 खेलना चाहिए. बट ही इज ओपनिंग. ठीक है, ही इज डूइंग वेल. नो डूइंग वेल बट डू यू रियली थिंक? वो सर ये यूएई का T20 तो अब है तो हम बोल नहीं सकते कि बाबर देन कैन एडजस्ट हिमसेल्फ. बट डोंट यू थिंक वो 3 पे आए तो पाकिस्तान ज्यादा स्ट्रांग होता? डेफिनेटली ऑफकोर्स, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ही विल गो डीप. ठीक है, वो अपने शॉट्स खेलता है. बाबर की भी शॉट्स बहुत अच्छी हैं. ठीक है, और साथ में उसको अगर नंबर 3 पे आगे उसको एक डिसएडवांटेज तो होगा नए बॉल क्योंकि अच्छा प्लेयर जिसे शोएब भाई ने बोला वो नए बॉल खेलने में खुश होता है. ठीक है, क्योंकि उसको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. ऊपर से 20-25 रन उसे उसकी क्लास से मिल जाएंगे. इधर चौका दिया, उधर चौका दिया, उसके बाद वो इनिंग को आगे बढ़ाएगा. तो नंबर 3 पे उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ सकता है क्योंकि आते ही उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ेगा. हो सकता है उसको कोई चांस लेना पड़े. तीन आज शुएब खिला दिया ना हम तो 3 पे शुएब. हाँ, शुएब को और उसने भी 7 गेंदों पे 19 किए, 2 छक्के उसने भी दिए. बहुत अच्छा, बहुत मोमेंटम उसने भी एक्सेलरेशन वहीं से शुरू की. एक्सेलरेट किया वहां से. थिंक के शुएब एंड देन आगे हमारा वर्ल्ड कप इन यूएई. सो यही आपको कोई कॉम्बिनेशन इवॉल्व होता नजर आ रहा है? बिल्कुल. और जिस तरह हमने पहले भी बात की थी मैच से पहले कि फखर जमान इज द बेस्ट चॉइस फॉर 4 or 5. ठीक है, उसने आज प्रूव कर दिया. ठीक है, क्योंकि वो एक शॉर्ट फाइनल के ऊपर से ये शॉट मारता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले. ठीक है, अंदर से वो ये मारता है. और फिर उसका काउ कॉर्नर बहुत अच्छा है फास्ट बॉलर पे और स्पिनर पे बहुत अच्छा है. वो उसकी रेंज अच्छी है. ओके, वो दूर से कनेक्ट करता है. ठीक ठीक है, हम मतलब अक्सर बैट्समैन जब निकलते हैं तो अपने आप को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, या तो लग गई या स्टंप. वो यहीं से कनेक्ट, अगर आपने देखा हो तो स्पिनर पे उसकी बहुत अच्छी रेंज है. फिर साथ में सिंगल्स करने भी आते हैं. मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में बहुत ही अच्छा पैकेज मिल गया हमें. और कोई टीम पैनिक करे तो उसका सबूत क्या होता है कि पैनिक कर रही है? कोई टीम अगर हार रही हो और पैनिक करे तो सबूत क्या होता है? सबूत क्या होता है आपकी मिडिल ऑर्डर इफ नॉट परफॉर्मिंग? रनिंग आउट.
रनिंग अप हो गया ना आज. कितने मेथड वाले क्रिकेटर्स हैं, रॉय और बेस्टो, कितनी अंडरस्टैंडिंग है. फिर देखे पकड़ा के चले गए. पैनिक, तो वो पैनिक सिचुएशन थी क्योंकि प्रेशर आ गया ना. 232 होता है. रिजवान मोहम्मद रिजवान दिखाएं जी, he scored 41 बॉल 63. जनाब शेर भाई आप ही बता दें रिजवान की. यार देखे स्टैंड एंड डिलीवर, यू नो वाई तो आई है हवा हवाई बेसिकली. उनका नाम हवा हवाई रखना चाहिए लेकिन यू नो विकेट में कख नहीं ना ब्रेक है ना कुछ है ना स्पिन है. ओ माशाल्लाह ये फर्कसन ने कौन है ना जी तो और कौन है ऑफ स्पिन की थी. ग्रेट शॉट, ये बहुत जबरदस्त शॉट खेला उसने. यू नो इट्स रॉन्ग टू प्ले हिम बट यू नो इतना विकेट में घूम रहा है, इतना फिर रहा है, आपको लेंथ एडजस्ट करने नहीं देता किस तरफ. ये इसकी बड़ी क्वालिटी है, लेंथ एडजस्ट करने देता आपको, घूमता बहुत विकेट में. बट आपको कोई लॉजिक उनकी, क्या वो अपनी अपना स्ट्रेंथ चेंजिंग स्ट्रेंथ इज टू मूव अराउंड ऑफ स्टंप. नहीं मैं कह रहा हूँ कि इवन मॉर्गन के दिमाग में क्या था पहले. मॉर्गन दिमाग में था कि हम जिस तरह तीन वनडे जीते हैं इंशाल्लाह हम आराम से टॉस जीत के खिलाना. ट्रेंट ब्रिज में क्या था यार उनका, ये था कि हमने बेस्ट स्ट्रेंथ चेक करनी है, फिर हमने पाकिस्तान टीम को चेक करना है, बाद वो खुद चेक हो गए. क्या कहते हैं वो चेक. आप बताइए कि क्या उसका ये था कि उसने असेस करना था कि वो चेज कर सकते हैं या नहीं. सर मैं ब्रेक ये बात ट्रेंट ब्रिज में मेरे ख्याल से जो ये बहुत है जी. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. जी आप देख रहे हैं गेम ऑन है. यासर हमीद साहब, सर आप अभी नए नए आए हैं, आपने मेरी तरफ देखना है, आपने कहीं और देखा तो हाथ से बोल जाएंगे. एनीवेज ट्रेंट ब्रिज की बात कर रहे थे कि व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इवन मॉर्गन, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे चेज की, इंग्लैंड चेज कर लेता है. शुएब ने बड़ी जबरदस्त बात. यासर से रेलेवेंट क्वेश्चन ये बनता है यार, देखो स्ट्रेंथ चेक करने का भी तरीका होता है. ठीक, आर यू गोना मेस अराउंड विद द लॉज ऑफ द नेचर. ये सवाल जनाब. आई थिंक देखें जिस तरह हमने पहले ही बात की थी कि उनके माइंड में ये है कि पाकिस्तान स्विंग और सीम पे थोड़ा सा हल्का है. ठीक, तो बादल भी थे तो शायद उसने उस वक्त सोचा हो, उसने उस वक्त अपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया हो कि यार देखो ये अगर क्लाउड थोड़ी देर रहते हैं तो ऊपर से दो तीन विकेट. देखो यार अगेन विकेट भी तो देखना होता है, एलिमेंट भी तो देखना होता है, क्या नीचे क्या फैक्टर क्या है. शोएब भाई वही बात है, आपने बात की थी कि सीमेंट पे भी सीम होता है वो इंग्लैंड. एक मिनट ये जो शुएब बात कर रहा है उसको रीइंफोर्स कर दूं कि क्या मॉर्गन को नहीं पता था कि यहाँ पे 8.72 रन्स पर ओवर बनते हैं इस पिच पे T20 अक्रॉस द बोर्ड T20 इंटरनेशनल पे. दिस मींस कि बैटिंग विकेट होती है. एक और चीज भी होता है, मुश्किल सीम नहीं हुआ जिसको काउंटर नहीं कर सकता. हाँ नहीं बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, जिस तरह पिच तो बहुत अच्छा था लेकिन जिस तरह उनकी बैटिंग डीप है ना तो शायद वो भी हो फैक्टर कि यार जितना भी हो हम. लेकिन 232 बहुत जबरदस्त टोटल है, बहुत बड़ा टोटल है. उसमें उनके हाथ पांव फूल गए थे अगर आप देखते इन मॉर्गन को जब बता रहे थे तो वो ही वाज पैनिक ड्यूरिंग द फील्डिंग. जब टॉम करम को कुट लगी है तो पैनिक कर गए थे, मोइन अली उधर से आ रहा है, मॉर्गन इधर से जा रहा है, वो सही कह रहा है कि वो पुट्टी पै गई उन्होंने बड़ी बुरी. ओके 200 ठीक था, 232 वाज टू मच. 232 फॉर इंग्लैंड यू नो के हॉट गेट्स के अंदर आ गए थे. लेकिन बात सुने हमारे भी हाथ पांव फूलने हैं, लियाम लिविंगस्टन के बारे में की ख्याल है. अगर यहाँ बटलर होता ना तो मैच ऑन था. नॉट छक्के यार, छह मैच ऑन था. वो गुड प्लेयर यार, साफ कितना खेल रहा था वो, स्पिनर्स को बहुत घोटा लगाता है और पैंट ले आता है. बट देन थोड़ा अंडर एस्टिमेट करके, मैंने पहले भी कहा था आपको प्री मैच में भी कि
अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान टीम को, ठीक है बेंच स्ट्रेंथ जरूर करवाओ, लेकिन यार सिनेरियो सराउंडिंग आप देख, जॉर्डन नहीं खिला वो जो आपके आपके जो अलाउ कर रही चीजें आपको वो आप करो, जो चीजें अलाउ कर रही हो आप वो करो, आप उसके अगेंस्ट मत जाओ ना यार। और करो 232 जब हुआ ना 175 मॉर्गन साहब ने इधर से भागे फिर उधर से भागे, उन्होंने कहा की करिए बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और चीज बताएं कि आप चले बटलर को ना खिलाते ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपने कोई और लड़का देखना है, बट क्रिस जॉर्डन अगर होता तो प्रोबेबली हफीज और फखर के लिए मुश्किल होता। देखो यार कुछ मुश्किल होता यहाँ पे, मुझे बताओ पाकिस्तान टीम को कितने बाउंसर्स हैं? हार्डली एग्जैक्टली, अगर चार बाउंसर हो जाते दो छक्के भी लगते कितना बन जाता है, ठीक है 12 ठीक विकेट मिल जाती। सो इंग्लैंड मेरे ख्याल में अब इंशाल्लाह अब जाएंगे जरा गौर से सोचेंगे ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये ना हो कि तीसरे मैच में बैंक स्टोक्स को भी बुला रहे हैं। हाँ वो जो मॉर्गन स्टेटमेंट थी ना, वी आर नॉट वरीड अबाउट पाकिस्तान, दे शुड बी वरीड अबाउट पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक। लियाम लिविंगस्टन दिखा दें जी, 43 बॉल 103 एंड 6 8 4 6 4 9 6, ये पहला छोड़ दें दूसरा भी छोड़ दें, अब शुरू हो गए यार अगेन भी शॉट्स में बड़ी क्लैरिटी थी, क्लैरिटी पूरी 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 शॉट्स खेली है इसने और स्पिनर्स को तो बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा खेला, बहुत अच्छा। कहाँ बॉक्सिंग गन बन रहे मेरे विकेट बॉटम हैंड, इसके बारे में मॉर्गन कहा भी था, मॉर्गन ने कहा भी था मैच सारी बेस क्वालिटी है। जिसके एरिया में आ रहा है ना मिड ऑन और मिडिल के सब रेंज में है, तो इस वक्त शायद हमारी गुड शो बाय द वे, इस वक्त हमारी भी शो इसी नर्व्स हुई है, बट अगेन एक चीज तो ये बात मॉर्गन की ठीक है कि हमें इनमें से लिविंगस्टोन तो मिल गया है ना, यू आर सो वेरी राइट, लिविंगस्टोन मिल गया, वेरी गुड जनाब जी बिल्कुल। लिविंगस्टोन पीएसएल में भी बड़ा परफॉर्म करके गया यहाँ से, ठीक है, और साकिब भी पीएसएल से परफॉर्म करके गया, और बाकी जो इनके आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएसएल इंग्लैंड की टीम बना रही है साड़ी ने बड़ी नहीं, हमारी जो टी ट्वेंटी की टीम है वो तो जिस तरह शुएब भाई ने बताया है कि वो तो वर्ल्ड क्लास मैच में भी टी ट्वेंटी खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास टीम है, ठीक उसमें तो हम दुनिया को प्लेयर्स देते हैं अपने पीएसएल से, ठीक ठीक है। साकिब महमूद दिया, अब वो नहीं वो तो बहुत है बेचारा, वॉक इन किया, अब ये जो तीन वनडेज हुए लास्ट, ठीक है, जो पाकिस्तान से जीते लड़के, अब उनको देखें एवेन्यूज खुल गए प्लेयर के लिए, पहले तो इंग्लैंड के लिए उसको खेलते हुए डिप्रेस सोचते हुए डिप्रेस अक्सर हम देखते थे, पहले डिप्रेस प्लेयर होते थे इंग्लैंड के, यार इंग्लैंड की टीम में किस तरह एंजॉय करते हैं, अब एंजॉय करते, अब इनको पता है यार एवेन्यूज खुल गए, अब पीएसएल है आईपीएल है, ठीक है। एक आधे प्लेयर को मरवाया भी है, टॉम बेंडन ने 83 किया था 9 मैचों में, फारिग ही हो गया। एनीवे शो भाई, यूसी के नेक्स्ट मैच में इंग्लैंड जो है वो अब बटलर भी वापस आएगा, और मैं यासर की तरफ चले जाऊं, बटलर भी वापस आएगा, जॉर्डन भी वापस आएगा, और जनाब मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी अक्ल आ जाइए, टॉस जीत के क्या करना है ये फैसला बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। अगेन आप ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते कि आप कि जो मर्जी है आपका दिल चाहे वो कर लें, कुछ क्रिकेट के लॉज हैं वो अप्लाई करने पड़ने, अगर नहीं किए तो 232 है 232 का मतलब है 233 करके जीतना पड़ेगा, कितना किया आज 31 रन से आ रहे हैं 200 फिर भी कर गए, वैसे साउथ अफ्रीका के 200 सेफ नहीं इंग्लैंड के खिलाफ भाई तुम्हें, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा हमारा शादाब और बेहतर गेंद कर ले मुश्किल हो जाती है, मुश्किल होती है, थोड़ा सा शार्प ब्रेक करता है वो कर ले बेहतर है। अहमद वसीम यू नो शुरू के ओवर में जरा जॉब फर्क है तो, लेकिन यह कि बेचारों को पीछा पड़ गया। आपका मतलब है कि अगर हसन अली फिट होता है तो हसनैन जाएगा, व्हाट डू यू थिंक विद दीस फिगर्स 728 रन्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर क्या करेंगे यार, मुश्किल हो जाएगा, हसन ने तो आना ही आना ना यार, अगेन यू हैव टू थिंक हसन ही जाएगा ना, क्योंकि हारिस लोग ने जो एंड के ओवर्स किए हैं अच्छे किए, टी ट्वेंटी का तो अच्छा
तो दिस मींस के मोहम्मद हुसैन विल बी जी खिला देंगे आप रोहित ना लेकिन हारिस रोफ को एक बॉल छोड़नी होगी अपनी जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है पेस नहीं है उसकी ठीक है वो मतलब कोई भी बैट्समैन उसको यार मैंने he thinks that कि यहाँ से मैं कुछ ऑस्ट्रेलिया में किया उसने ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल किया उसने इसी लेंथ पे लेकिन अब यहाँ पे वो फंस रहा है तो इसको चाहिए कि इस चीज को छोड़ दे स्लो ऑन करे पेस ऑफ करे बाउंसर करे बाउंसर भी तगड़ा है यॉर्कर करे तो आई गेस ही इज अ गुड बॉलर मेरे ख्याल से T20 का तो बेस्ट बॉलर T20 का अच्छा थैंक यू वेरी मच यासर एंड थैंक यू वेरी मच शोएब अख्तर थैंक यू ऑल द प्लेजर को कल मिलते हैं क्यों सैटरडे कल मैच है ना भाई संडे को आज हफ्ता हो गया सर जुमे नु आए सो हफ्ते तुम जा रहे हो वापस Anyways, very well done, Pakistan, and it's delightful, obviously. We all enjoy when Pakistan 232 karna aur 31 run se T20 jeetna against England in England. And well played, Babar Azam. Bahut hi ala Rizwan bhi rahe. And we also saw sparks of brilliance. Mere dono panelists ne kaha, Fazal Zaman and Mohammad Hafeez is always there. Aur Azam ki bhi aaj bahut khushi hui ki the way he started, at least confidence bahut nazar aaya. Let's hope ke Pakistan is series mein sustain kare aur it shall be tough for Pakistan ke agar wo apni full strength pe aate hain aur phir kaise test karte but let Pakistan ka start bahut acha ho gaya so game on hai ji aur game on hai rahegi game on hai